हेलो, जय द्वारका दीश। आज हम बनाएंगे कुलचे की रेसिपी। तो कुलचे की रेसिपी बनाना बहुत इजी है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो यह फटाफट से बन जाता है, लेकिन हमें एक दो चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। तो कुलचे को हम छोले मसाले के साथ खा सकते हैं या फिर पंजाबी सब्जियों के साथ खा सकते हैं। मसाला छोले की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप भी वहाँ से देख सकते हो। चलिए कुलचे की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक बाउल के अंदर 3 कप मैदा ले लिया है। अब स्वाद अनुसार नमक, 2 चम्मच घी ताकि हमारे कुलचे खस्ते बने, और 1/2 चम्मच यीस्ट। यीस्ट की जगह आप बेकिंग सोडा भी ले सकते हो। अब मैं सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देती हूँ और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हमें आटे को अच्छे से गूंद लेना है। देखिए, तो अब हमारा डो बनकर बिल्कुल रेडी है। अब हम इस गुने हुए आटे को 2 आवर्स के लिए ढककर रख देंगे। उसके बाद कुलचे बनाएंगे। तो 2 आवर्स हमारा कंप्लीट हो गया है। देखिए, इसके ऊपर जो वाइट वाइट बबल्स दिख रहा है, इसका मतलब कि हमारा डो बहुत ही बढ़िया है और कुलचे बनाने के लिए रेडी है। अभी भी हम इसे हाथों की मदद से अच्छे से गूंथते रहेंगे ताकि ये और भी सॉफ्ट हो जाए। कुलचे बनाने स्टार्ट करें इसके पहले हम इसे 3 भाग में अच्छे से डिवाइड कर ले ताकि हमारा मेजरमेंट सही रहे। तो नाइफ की मदद से मैं इसे 3 भाग में अच्छे से डिवाइड कर देती हूँ और एक बर्तन में ढककर इसे रख देती हूँ। देखिए इस तरह से। अब मैं एक लुई लेके इसे अच्छे से बेल लूँगी। हमें इसे ओवल शेप में बेलना है। मैं आपको यहाँ पे एक ओवल शेप में बेलकर दिखाती हूँ। आप पतला मोटा अपने हिसाब से रख सकते हो। तो हमारा कुलचा बनकर रेडी है। अब मैं इसके ऊपर कसूरी मेथी ऐड करूँगी। आप चाहो तो इसके ऊपर फ्रेश धनिया भी ऐड कर सकते हो और काला तिल भी। देखिए इस तरह से। अब मैं इसे थोड़ा और बेल लेती हूँ ताकि हमारी कसूरी मेथी अच्छे से चिपक जाए। अब मैं इसे अच्छे से घी में सेक लूँगी। तो एक गरम तवे पर मैंने थोड़ा सा घी लगा दिया है। आप चाहो तो बटर या फिर ऑयल का यूज़ कर सकते हो। अब मैं इसके ऊपर जो हमने कुलचा बनाया था वो सेकने के लिए रख देती हूँ। कुलचे के चारों ओर हमें थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क देना है ताकि इसकी स्टीम की मदद से ही हमारा कुलचा अच्छे से फूल जाए और अच्छे से पक जाए। अब मैं इसके ऊपर एक ग्लास का बर्तन ढक देती हूँ ताकि अच्छे से पकने लगे चारों ओर। इसे हमें गैस की हाई फ्लेम पर ही पकाना है। 2 मिनट हो गए हैं। अब मैं आपको ढक्कन खोल के दिखाती हूँ कि कैसे चारों ओर अच्छे से फूल गया है। अब हम इसे पलट देंगे। देखिए हमारा कुलचा बहुत ही अच्छी तरह से सेक गया है और जितना आपको ऊपर से क्रंची लग रहा है, अंदर से उतना ही सॉफ्ट है। मैंने यहाँ पे फ्रेश धनिया वाला एक और कुलचा बनाकर भी रेडी कर लिया है। देखिए यहाँ पे मैंने दोनों कुलचों को अच्छे से सेक लिया है। हमारे कुलचे बनकर बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इसे खाने के लिए इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा लेंगे। मैंने दोनों कुलचों में अच्छे से घी लगा लिया है। देखिए ये लग रहा है ना, बहुत ही बढ़िया। अब हम इस कुलचे को खाने के लिए परोस सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक सर्विंग डिश ले ली है, उसके अंदर 2 कुलचे रख दिए हैं। आप चाहो तो इस कुलचे को कोई पंजाबी सब्जी के साथ खा सकते हो या फिर छोले के साथ खा सकते हो। तो मैं यहाँ पे कुलचे को छोले के साथ सर्व करूँगी। इसके साथ मैंने यहाँ पे कटा हुआ प्याज ले लिया है और 1/2 लेमन ले लिया है। अब हमारी रेडी है डिश खाने के लिए।